लगातार डॉटिन देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूँ। गर्मी के दस्तक देते ही मिट्टी से बने बर्तनों की बिक्री बढ़ जाती है, मिट्टी के घड़ों की बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि इसी में पानी डालकर लोग पीते हैं। लिहाजा कुम्हारों के चेहरे पर मायूसी है। मायूसी इसलिए है क्योंकि उनकी मेहनत की लागत नहीं निकल पा रही है। उनसे जानते हैं कि आखिर लागत क्यों नहीं निकल पा रही है। किसी तरह हम लोग चोरा नुका करके मिट्टी ला करके और बर्तन हम लोग बनाते हैं। बर्तन बनाने के समय हम लोग सावन महीना जब भट्ठा लगाते हैं तो भट्ठा हम लोगों का कच्चा रह जाता है, लकड़ी भी नहीं है, कोला भी महंगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी, किसी तरह टिप टाप को झोपड़ी में आप लोग रखते हैं मिट्टी और बर्तन बना करके, बरसात होता है वो भी गल जाएगा और गलने को हम लोग भूखे मर जाते हैं ना। तो न हम लोगों का मजदूरा वाला काम होता है, न हम लोगों का मिट्टी वाला काम होता है। तो किसी तरह हम लोग गुजर आप लोगों का बेड़ा समय पार करके हम जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं सरकार हम लोगों का किसी तरफ से हमको एगो बैरिंग वाला चाक दीजिए, मिट्टी का मटगढ़ा हमको मिट्टी उठाने का चाक नहीं दिया है। नहीं, हम लोगों का मिट्टी का वही मिट्टी वाला सीमेंट वाला चाक में गर रहे हैं पीट पाट को किसी अच्छा, तरह तो गर्मी आ गया है तो हाँ तो बर्तन तो बिकेगा। हाँ, बर्तन बिकेगा, लेकिन किसी तरह बुल बुल के आप लोग बेच लेते हैं, बाजार में नहीं देते। बाजार में देते हैं तो दुकान वाला को दे देते हैं, वो सस्ता में लेता है। हाँ, वो सस्ता में ले रहा है। अगर जो हम 15 रुपया में देते हैं तो वो अपना 20 रुपया 25 रुपया में बेचता है, 30 रुपया में बेचता है, समय आने के बाद 50 रुपया में बेच लेता है वो। लेकिन हम लोगों का उतना पूंजी है नहीं जो हम लोग वहाँ दुकान मतलब करके बेचेंगे। जो मिट्टी वाला धंधा करते हैं वो हम लोग का चलता नहीं है। जार वाला पानी आ गया है, उससे जो क्या हम लोग का धंधा नहीं चलता है। जार वाला और फ्रिज वाला सब हम लोग का मार कर रहा है कुम्हार आदमी का। अभी तो थोड़ा पूरा बिक्री हो रहा, पूरा बर्तन आएगा गर्मी का धूप तब तो बिक्री होगा। एक घड़ा का कितना करके देते हैं? वही 30-40 टका करके देते हैं। बाजार में तो बहुत ज़्यादा रेट पे बिकता है। हाँ, बाजार में बिकता है वही 70-80 टका बिकता है, लेकिन पहुँचाएँगे तो बिकेगा, घर से आएगा तो वही कम सस्ता में लेगा। मदद मिलेगा, यही मिलाइए जो कि मिट्टी का जो बर्तन करते हैं उसके लिए चाक वूक मिलता, कुछ ऑफर जो भी आएगा, यही सब। और क्या आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि कुम्हारों की माली हालत कितनी बदतर है, जितनी मेहनत है उनकी लागत नहीं निकाल पा रही है। अब हम दिखाते हैं एक तस्वीर जो कुम्हारों ने इस घड़े को एक नए आकार दिया है। इस मिट्टी के घड़े को देखिए, इसमें नल की टोटियां लगा दी गई ताकि इस घड़े की बिक्री ज़्यादा हो और लोग ज़्यादा खरीदारी करें, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। देवघर से लगातार डॉटिन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।